और जो कन्वर्जन था वो भी सच था, जो लव था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो लव भी सही था और उसमें जिहाद का कोई एलिमेंट तो मिला नहीं। तो ये तो बार बार नाटक खड़ा किया जाता है जब भी कोर्ट में जाता है इस तरह की चीज, जब भी जांच करनी पड़ती है आपको कोर्ट की निगरानी में तो खारिज हो जाती है। तो अगर आप निर्वाण और मुक्ति की बात को ही क्रिमिनलाइज कर दीजिएगा तो फिर रिलीजन की बात करने के लिए बचेगी क्या? देखिए, एंटी कन्वर्जन लॉज जो अभी आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि ये कन्वर्जन के पूरे प्रोसेस को, जो उसका नेचुरल प्रोसेस है, जो इंसान जिस तरह से इंसान फेथ और कॉन्शियंस से डील करता है, उसको ख़त्म करके एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह के प्रोविजन आते हैं कि आपको पहले इजाज़त लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी, रिव्यू होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इस सब से असर उसका ये हो रहा है आज के माहौल में कि जो आर्टिकल 25-26 में राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, वो राइट असल में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और उस राइट को एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं कि आपको पहले जाकर अनुमति लेनी होगी, तो जो भी कन्वर्जन का प्रोसेस होता है असल में वो एक नेचुरल चीज होती है। आप कोई चीज समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी बेसिस पे आपका दिल रिएक्ट करता है, तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है। ये जो इसका एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से इसको किया जा रहा है वो असल में इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को इससे डराया जा सके। और कई सारे ऐसे भी उसमें प्रावधान लाए गए हैं, जैसे कि महिलाओं को कन्वर्ट कराने पर जो है ज़्यादा सज़ा है, किसी ट्राइबल या एस सी एस टी को कराने पर ज़्यादा सज़ा है। तो उसमें एक मानसिकता भी दिखती है कानून बनाने वालों की कि वो महिलाओं को या एस सी एस टी के लोगों को कम अकल जान समझते हैं शायद, इसीलिए उनको लगता है कि अगर आप उनको कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए। कोई आप कानून का हवाला दे सकते हैं कि हम ये कर्नाटका के कानून में भी है ऐसा, हरियाणा के कानून में भी है, और पिछले 3-4 साल में जो अलग अलग कानून आए हैं उनमें सभी में ये यूपी में भी जो अनुमति वाला प्रोसेस है ये सभी कानून में है। अनुमति आपको 15 दिन पहले डीएम को एक चिट्ठी देनी है, उसके बाद डीएम जो है उसमें एक इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिव्यू करेगा, ये देखेगा कि किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, उसके बाद आपको अनुमति देगा। अनुमति देने के बाद भी वो चीज़ पब्लिक होगी और कोई भी शख्स, चाहे वो आपका रिश्तेदार ना भी हो, वो आकर के कंप्लेन दायर कर सकता है उस पर। और एक बार कंप्लेन दायर हो गई तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, जिसके बारे में कंप्लेन में कहा गया है कि उसने कन्वर्ट कराया उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, और इसमें जो है प्रूफ जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है उन्हीं को आके प्रूफ देना पड़ेगा कि वो गिल्टी नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये बनाया इस तरह से गया है कि उसके जरिए से कोई भी इस चीज को कानूनी तौर पे करने से डरेगा और पीछे हटेगा। जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जबरी तौर पर और लालच देकर के कन्वर्जन कराने की कोशिश हो रही है, बहुत सारे लोग जेल में भी गए हैं, तो क्या बिल्कुल ही वो गलत? देखिए, जबरी तौर पर अगर कहीं कन्वर्जन कराया जाता है तो वो तो यकीनन गलत है ही, और ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारे आपके पास प्रावधान है, आईपीसी में भी है, फ्रॉड को लेकर के, मिसरिप्रेजेंटेशन को लेकर के बहुत से कानून हैं जो जबरी तौर पे अगर कोई करता है तो आप उसको सजा दे सकते हैं। ये कानून बनाने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, खास करके जिस तरह के प्रावधान लाए गए हैं वो जबरी कन्वर्जन को रोकने के लिए नहीं है, वो हर तरह के कन्वर्जन को रोकने का असर डाल रहे हैं। तो जबरी कन्वर्जन को सिर्फ रोकना है तो पुलिस जरूर, उसके पास पावर है और उसको रोकना भी चाहिए, और हम भी कभी इसके हक में नहीं होंगे, लेकिन ये जो कानून है ये हर तरह के कन्वर्जन को रोकता है, इसलिए हम इसके खिलाफ। पिछले कुछ समय से लव जिहाद काफी चर्चा में रहा, कहते हैं मुसलमान लव नहीं करता सिर्फ जिहाद करता है, ये कन्वर्जन कन्वर्जन हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए। देखिए, ये इसका क्या ही कहा जा सकता है, इसके ऊपर तो पूरे देश में इतना बड़ा हंगामा हुआ, आपने एनआईए को बिठा करके इन्वेस्टिगेशन कराया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसके बाद भी क्या निकला था निष्कर्ष, आपको पता ही होगा, निष्कर्ष यही निकला कि सारी चीज कहानी थी और जो कन्वर्जन था वो भी सच था, जो लव था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो लव भी सही था और उसमें जिहाद का कोई एलिमेंट तो मिला नहीं। तो ये तो बार बार नाटक खड़ा किया जाता है जब भी कोर्ट में जाता है इस तरह की चीज, जब भी जांच करनी पड़ती है आपको कोर्ट की निगरानी में तो खारिज हो जाती है। तो ये तो क्योंकि कानूनी तौर पर आप कभी इसको प्रूव नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने एक खड़ा कर दिया है इतना बड़ा सियासी माहौल, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए अब कानून भी बनाना पड़ रहा है। डर का माहौल बनाना चाहते हैं, ये डर का माहौल से ज्यादा ये सबसे बड़ी चीज के जो मिसट्रस्ट है लोगों के बीच में,
ये ट्रस्ट को खत्म करना चाहते हैं, मिसट्रस्ट को लाना चाहते हैं, और जो देश की डर की जो सियासत है, असल में डर ये देश की मेजॉरिटी के दिल में डालना चाहते हैं, ये डर के तुम्हारी जो संख्या है वो कम हो जाएगी और संख्या कम होने से तुम्हारा असर कम हो जाएगा, जो भी वो जिस तरह का भी डर है, तो संख्या का डर दिखा करके ये मेजॉरिटी को असल में डराना चाहते हैं और किसी को। इस तरीके से हरियाणा में जो कानून आया उसमें कहा गया कि शादी के लिए कोई नहीं कर पाएगा, तो ये क्या शादी सिर्फ शादी, ये तो सारे ही कानूनों में इस तरह की बात की गई है, उसमें जाहिर है ये प्रावधान है कि अगर कन्वर्जन जिनविन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन शादी एक वजह बताई गई जिसके जरिए, जिसके लिए अगर आप करेंगे तो कन्वर्जन इलीगल हो जाएगा, साथ में अगर आप किसी बेसिकली आप जब कन्वर्ट करते हैं तो आप क्यों करते हैं, आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि फला चीज सही है, फला चीज मैं करूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे निर्वाण मिलेगा, मुझे जन्नत मिलेगी, हर इंसान इसीलिए कन्वर्ट करता है और तो कोई रीजन होता नहीं है, लेकिन अगर आप मुक्ति या निर्वाण की बात किसी से कर रहे हैं तो उसको भी ये प्रोहिबिट करता है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है और उसको एक क्रिमिनल एक्ट बना देता है। तो अगर आप निर्वाण और मुक्ति की बात को ही क्रिमिनलाइज कर दीजिएगा तो फिर रिलीजन की बात करने के लिए बचेगा ही क्या। सर ये जिहाद किस तरह का वर्ड है, हर चीज में जिहाद लगा दूं, लव जिहाद, सब्जी जिहाद। देखिए ये तो आज हम लोगों का मुद्दा है भी नहीं, लेकिन जिहाद का वर्ड तो मानिंग क्या है? नहीं, जिहाद का वर्ड तो आप सबको पता होगा, जिहाद का वर्ड मतलब होता है संघर्ष, और उस संघर्ष के लफ्ज को आज अब आप टीवी चैनल पे जाकर के जो भी मतलब देना चाहें दे दें, हाँ, लेकिन मतलब इसका ये तो खैर एक आप लोगों का टीवी चैनल वालों का बनाया हुआ वर्ड है, हमने तो पहली बार आप ही लोगों से ये सुना है, हमने किसी किताब में आज तक ये डेफिनेशन तो नहीं पढ़ी, इसलिए हमें डेफिनेशन पता भी नहीं है। जब चुने हुए नेता ही सांसद लेवल के नेता ही ऐसे तरह के बयान देते हैं तो जनता तो उनको विश्वास करती है, कैसे चीज़ें? देखिए इसीलिए जब चुने हुए नेता इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बातें करते हैं तभी सिविल सोसाइटी को, सिटीजन्स को आगे आकर जो सही बात है, जो सही चीज़ है, वो फैक्ट्स की रोशनी में वो बात करनी पड़ती है, और क्या कह सकते हैं हम। आपकी बुक जो एंटी कन्वर्जन लॉ का है, लेकिन उसके दौरान मैंने कुछ देखा था कि मुरादाबाद की पिंकी नाम की लड़की ने एक राशिद नाम के लड़के से शादी की थी, तो पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार करके उसको पुलिस स्टेशन जेल भेज दिया था और उसका अबॉर्शन भी करा दिया गया था। वहीं एक आगरा के एक साजिद नाम के लड़के ने एक जैन समुदाय की लड़की से शादी की थी तो भीड़ ने उसके घर में घुसकर आग लगा दी। और वहीं आपके बरेली में जब दो मुस्लिम लड़की दो हिंदू लड़कों से शादी करती हैं तो पुलिस ट्वीट कर कहती है कि आपको यदि सुरक्षा की जरूरत पड़े तो हम आपको सुरक्षा देंगे। तो ये अगर मुस्लिम करे तो जिहाद और हिंदू करे तो उसको देखिए, हम इस नजरिए से तो इसको देखना भी नहीं चाहते कि हिंदू करे या मुस्लिम करे। जब आप एक मिले जुले समाज में रहते हैं तो आप फिर बहुत तरह की चीजें होती हैं। हमें तो लगता है कि शादी ब्याह वाले ये जो मामलात हैं इसमें आप इस तरह का पुलिस का जो इंटरफियरेंस है उसके जरिए से आप एक सुखी समाज तो नहीं बना सकते। ये आपसी और घर परिवार वाले मामलात होते हैं, कम्युनिटी के सोसाइटी के मामलात होते हैं, इसमें पुलिस के इंटरफियरेंस किसी भी तरह के वैसे भी जो है इखलाकी तौर पे ये कोई सही चीज़ नहीं है। और हम लोग तो नहीं समझते कि अगर आपको एक सुखी समाज बनाना है तो पुलिस के इंटरफियरेंस के थ्रू आप शादी ब्याह के मामलात को सुलझा सकते हैं, और इस तरह की जो रेटोरिक है वो तो समाज के लिए वैसे भी ठीक नहीं है। वो अगर होगी तो फिर इसी तरह के जो आप इंसिडेंट्स बता रहे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। अक्सर मामलों में पुलिस की जो भूमिका होती है वो शक के दायरे में होती है, क्या नहीं लगता कि पुलिस में इस्लामोफोबिया ऐसी चीजें? देखिए ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना हमारे लिए आसान नहीं है। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारी जो सियासी रेटोरिक की वजह के देखते हुए अक्सर जो हम पुलिस के एक्शंस देखते हैं हमारी उम्मीद ये होती है कि पुलिस कम से कम इस तरह से बिहेव नहीं करेगी। हम मानना तो नहीं चाहते, ना ही हम मानते हैं कि पुलिस इस्लामोफोबिक है, लेकिन कभी कभार इस तरह की घटनाएं देखने में आती हैं। हमें उम्मीद है कि ये कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिस पर पुलिस भी सोचती होगी और शायद बेहतरी करेगी। सर जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात जो करते हैं उन्हीं के वही अपनी देखिये, हम ये जो पर्सनल चीज है उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। ये बस इतना ही दर्शाता है कि ये कानून की बात करना कितना इलॉजिकल है। आप इंडिविजुअल्स को असल में बच्चे पैदा करने के लिए क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। पॉलिसी जब बनती है तो वो समाज को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए बनती है। एक इंडिविजुअल ने उसका वायलेशन किया उसके लिए उसको सजा दे दो, ये हर तरह हर जगह ये चीज काम नहीं करती। ये आप
चोरी चकारी के मामले में, मारपीट के मामले में ये काम कर सकता है। जब आपको समाज में कोई परिवर्तन लाना हो तो वो परिवर्तन जो है इस तरह से एक हर एक इंडिविजुअल को सजा देने से, ये जो सोशल चीजें हैं, बच्चे किसी का बच्चा एक ज्यादा पैदा हो गया उसके लिए उस पर कानूनी कार्रवाई कर दो, ये कोई लॉजिकल तरीका नहीं है इसको डील करने का। और हमारे मुल्क ने तो मुझे लगता है ऑलरेडी दुनिया को दिखाया है कि एक पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी किस तरह से आप बिना क्रिमिनल लॉ के चला सकते हैं, तो उसका ऑलरेडी हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे छेड़छाड़ करने की कोई खास जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की जरूरत नहीं है, तो क्या तथ्य हैं, क्या चीजें हैं जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रवि किशन बिल लेकर आए वो पूरे तौर से जो ठीक नहीं है राजनीति? देखिए, सिर्फ वो नहीं लेकर आए बल्कि हर सेशन में आप देखिए पार्लियामेंट में कोई ना कोई बीजेपी के मेंबर जरूर ये बिल लेके आते हैं और फिर 10 दिन तक टीवी न्यूज चैनल में इसकी चर्चा होती है। असल में उसको लाने के पीछे यही टीवी न्यूज चैनल की चर्चा है और वो माहौल बनाना जिसमें कि वो बात पॉपुलेशन कंट्रोल की करते हैं लेकिन फिर से वही मेजॉरिटी के दिल में डर बिठाते हैं कि संख्या जो है उनकी कम हो जाएगी और किसी और की बढ़ जाएगी। संख्या के सियासत और ये पूरे मजहब को, कम्युनिटी को सिर्फ संख्या दर पे रिड्यूस कर देना, इसकी सियासत है जो असल में इस बिल के पीछे है। और कुछ भी 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो क्या वो डर वाजिब नहीं लगता? कौन से 7 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं? नागालैंड, मेघालय। देखिए, आप उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पे के अल्पसंख्यक हुए नहीं है, जहां पे के हिस्टोरिकली अल्पसंख्यक है। ऐसा नहीं है कि पिछले 70 साल में या इवन पिछले 100 साल में अल्पसंख्यक हो गए। ये वो राज्य हैं जहाँ पे एक ही सिर्फ है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हिस्टोरिकली मुस्लिम राज्य रहा है। आप जिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे कुछ जगह ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, कुछ जगह क्रिश्चियन मिशनरीज का काम आज से नहीं, काफ़ी पहले से है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में या 70 सालों में हुआ है, आज़ादी के बाद से ऐसा एक भी स्टेट नहीं है इंडिया में जहाँ पे कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का क्वेश्चन बदल गया हो। किसी भी एक फैक्टर से ये है कि ये जो आरोप लगता है कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं और हिंदुओं से कहा जाता है कि वो भी 4-4 बार 5 साल बच्चे पैदा करें, तो क्या ये आरोप गलत है? इसका कोई आंकड़ा तो है नहीं इसको साबित कर, आज तक ना तो वो पॉपुलेशन का जो बिल उन्होंने पेश किया, ना तो उन्होंने अपनी स्पीच में, ना उसके बिल के मसौदे में, किसी भी चीज में आज तक कोई आंकड़े नहीं पेश किए, क्योंकि इसका आंकड़ा है ही नहीं, इसका आंकड़ा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता कि एक कम्युनिटी में, किसी भी हिंदुस्तान में, बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और दूसरी कम्युनिटी में कम होते हैं। और ये रिलीजन जो है डेमोग्राफी को स्टडी करने का असल में सही तरीका है भी नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम जोर नहीं डालना चाहिए। नहीं तो देश की पॉपुलेशन ज़्यादा तो हो चुकी है, लेकिन जैसा कि हमने बताया, आप अगर डेमोग्राफिक साइंसेस को देखें, आप अगर भारत के नंबर्स को देखें, तो देश की संख्या जो है वो अब एक्चुअली घटने के उस ऊपर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट रेशियो होता है, जो डेमोग्राफिक साइंस के लोग बताते हैं कि जो आइडियल रेशियो है कि 2 बच्चे हर फैमिली में या 2 बच्चे ऑन एन एवरेज हर औरत के पैदा होने चाहिए, वो रिप्लेस कहा जाता है धर्म परिवर्तन करने के लिए जो करवाता है उसको फंड दिया जाता है। भाई, इस फंड को लेकर के भी 2 तो बहुत बड़ा केस यूपी में फाइल किया जा चुका है, वो दोनों केसेस में अब तक तो कोई ऐसी चीज ला नहीं पाए, 2 साल तकरीबन हो गए, लोग जेल में भी हैं, लेकिन अब तक कोर्ट में तो कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है ऐसी जिससे पता चले। और ये कहा तो जाता है लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं कि दिखाया जाए कि ऐसा कुछ होता है। यही इल्जाम ईसाई मिशनरी पे भी लगा हुआ है, उसे कैसे देखते? देखिए, ईसाई मिशनरी का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। पूरे देश में जो जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबके बच्चे मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते हैं। आज तक वहां कहीं पे भी ये सुनने में नहीं आया कि किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया हो। असल में क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज दलित, ट्राइबल, पिछड़े तबके के लोगों को एजुकेशन से जोड़ते हैं और उनको वो शिक्षित करते हैं, उनके अधिकार की कॉन्शियसनेस दिलाते हैं, इससे समाज में कुछ लोगों को दिक्कत है, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है। वरना तो इस देश में लिटरेसी के मामले में, एजुकेशन के मामले में क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है और एक सराहनीय योगदान है। उसको इस तरह से उसके ऊपर इल्जाम लगाना मुझे बिल्कुल भी सही। और अगेन, आज तक कोई आंकड़े दिखाइए, कोई केस दिखाइए कि स्कूल में ले जा करके इतने सारे लोगों को कन्वर्ट कर लिया,
तो वो फिर चुप हो जाते हैं। देखिए आप फैक्ट से ही काउंटर कर सकते हैं अफवाह को, आप सवाल ही पूछ सकते हैं कि फैक्ट क्या है। अब ये तो आप लोग इसमें बेहतर रोल प्ले करेंगे। मेरा नाम फवाज शाहीन है, CERT जो है मैं उसका रिसर्च डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ सैयद अहमद मुजक्किर हैं, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी, और मेरे साथ अब्दुल्ला फैज हैं, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी। थैंक यू। यूट्यूब चैनल वाले ये बोल रहे हैं साथी कि इनको भी कुछ कंटेंट ऐसा नहीं मिला है जिसमें थंबनेल में लगा सके, तो एक सवाल है कि रवि किशन जो है खुद कई बच्चों के पिता हैं और वो भाई बहन भी कई हैं और वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक शराबी जो है दूसरों को शराब के नुकसान बता नहीं, किसी के व्यक्तिगत उस पर तो मैं नहीं कमेंट करना चाहता थंबनेल के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, लेकिन ये कि ये अपने ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये पूरा ये अपने आप में दर्शाता है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल के को क्रिमिनलाइज करने का आइडिया इलॉजिकल है। आप किसी शख्स के ऊपर इस तरह ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की बात कीजिएगा तो इसी तरह की इलॉजिकल चीजें सामने आएंगी। पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी पॉलिसीज जो हैं वो समाज के एक्सेप्टेंस से और सोशल कॉन्शियसनेस से आगे बढ़ती हैं क्रिमिनल लॉ से।